भाई लोग कैसे हो? आज की इस वाली वीडियो आप लोग की बहुत ही मुझे चाहिए उसे मैंने ऐड कर लिया था कुछ इस तरीके से गाइस। ओके बहुत ही आसानी है, आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो। और ये मेरा बन गया पीएनजी और इसे मैं पीछे लगाऊंगा, जैसे कि आप लोगों थंबनेल में देख चुके हो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया था। सो गाइस जी बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना के दूंगा मैं। ओके सो गाइस इस तरीके से पीछे मूव डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद इरेजर में चला जाएगा, इरेजर की हार्डनेस को बहुत ही कम कर दीजिएगा और कुछ इस तरीके से आप लोग को इरेज करना है। ओके तो जैसे कि इस तरह से इरेज करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड से मैच कर जाएगी, जैसे कि सच में यहाँ पे खड़ी है। और उसके बाद आप लोग को डुप्लीकेट कर लेना है और उसके बाद फ्लिप एंड रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद तो कुछ इस तरह से लगेगा और फोटो बहुत ही शानदार से लगेंगे। और इसे मूव डाउन कर लेना है। ओके मूव डाउन मतलब पीछे चला जाना चाहिए। ओके उसी तरह से मूव डाउन कर लीजिए दोनों पीएनजी को। जैसे ही मूव डाउन करेंगे ये मॉडल के पीछे चला जाएगा और आपकी मॉडल आगे चलाएगा। ओके सो उसके बाद ऐड फोटो में आप लोग को जाना है और एक पीएनजी को ऐड करना है। पीएनजी को ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से रख देना है और उसे फ्लिप एंड रोटेट कर लेना है। फ्लिप एंड रोटेट पर क्लिक कर लेना है और फ्लिप एंड रोटेट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को रोटेट ऑप्शन पे सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सो गए सभी चीज़ों का थर्ड वाले रोटेट ऑप्शन को यूज़ करके आप रोटेट कर लीजिएगा। और उसके बाद कुछ इस तरीके से रखने के बाद आप लोग की जो यहाँ से आप लोग की जो फ्लैग है, फ्लैग को यहाँ से इरेज कर लेना है। जो पीएनजी लगा था उसका इफेक्ट फ्लैग के ऊपर आ गया था इसलिए मैंने इरेज कर लिया। और 26 जनवरी का पीएनजी जो है टेक्स्ट पीएनजी उसे आप लोग को ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग की लगना चाहिए। 26 जनवरी का कंसेप्ट आप लोग क्रिएट किए हैं और बहुत ही ऑसम सी गाइस एडिटिंग लगने वाला है। सो गाइस हम लोग यहाँ से चला जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद सिंपली हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ टूल में हम लोग को जाना है और कलर पिकर आप लोग को चूज कर लेना है। कलर पे चूज कीजिए और उसके बाद पेंसिल वाले आइकन को चूज कीजिए कलर पिकर और व्हाइट वाले कलर को चूज कीजिए। और उसके बाद ब्रश को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ब्रश को आप लोग के ये वाला ब्रश रखिएगा, ब्रश की आप लोग को साइज को 1 और 3 के बीच में रखिएगा, 2 भी रख सकते हो। ओके सो गाइस बहुत ही कम साइज कर लीजिएगा, यहाँ से मैं 1 और 3% रखता हूँ। और उसके बाद जिस भी जगह पर चाहिए आउटलाइन क्रिएट करना मॉडल के आप लोग उसी जगह पे आउटलाइन क्रिएट कर लीजिए कुछ इस तरीके से गाइस।
ओके सो गाइस इस तरीके से क्रिएट करने के बाद आप लोग को ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओवरले ऑप्शन पर जाकर ओके सो गाइस इस तरीके से कर लेना है। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग की जो आउटलाइन है चमकने लग जाएगा और कुछ इस तरीके से इफेक्ट दे देगा। आप लोग को ये वाली इफेक्ट को पूरी शॉट में डाल लीजिएगा और उसके बाद फोटो को सेव कर लीजिएगा। आप लोग को फोटो को सेव करने के बाद आप लोग को ले जाना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में गाइस। सो गाइस यहाँ से मैं गैलरी में सेव करता हूँ और स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद गाइस आप लोग को सिलेक्ट टिप का यूज़ करना है और यहाँ से लेफ्ट साइड में सिलेक्ट टिप का आइकन को चूज करके कुछ इस तरीके से आप लोग को सैचुरेशन इंक्रीज और कॉन्ट्रास्ट को गाइस इंक्रीज कर लेना है। जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो आप लोग के पीछे से एक ब्लू कलर का इफेक्ट आ जाएगा, बहुत ही ऑसम सी लगेंगे। और उसके बाद सिंपली आप लोग को राइट वाले साइड में आप लोग को क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग को सेम जो बताया था मैंने सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट को इस दोनों को इंक्रीज कर देना है। जैसे ही आप लोग इंक्रीज कर देंगे तो गाइस आप लोग की फोटो बहुत ही ऑसम तरीके से दिखने लगेगा। और गाइस आप जो गाड़ी जो है पीछे से उसके ग्लास के ऊपर भी आप लोग ये वाली इफेक्ट डाल सकते हो और मॉडल की पैंट पे ऊपर इस वाली इफेक्ट को मैंने डाल दिया है। और गाइस सेम चीज़ आप लोग के सभी जगह पे कर देना है और मॉडल की फेस के ऊपर देखें ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना है। ओके सो गाइस मैंने यही किया था स्टेप, आप लोग को भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी स्टेप्स को करना है। सो गाइस यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज, सैचुरेशन को इंक्रीज ऐसे इंक्रीज कर देना है और मॉडल की फेस को आप लोग को ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना है। ओके सो गाइस यहाँ से आप लोग को फोटो की जो ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। गाइस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोग को ये वाला PNG को डाल लेना है। ये वाला PNG बिल्कुल मैंने फ्री डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप सब जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसे फ्लिप एंड रोटेट कर लीजिएगा और कुछ इस तरीके से लगने लगेगा और लगने के बाद उसके बाद आप लोग को इरेजर में चले जाना है। आप लोग की जो भी पार्ट जिस भी जगह पे ये वाला इफेक्ट नहीं चाहिए उसे आप लोग को इरेज कर देना है। जैसे इरेज कर देंगे आप लोग की फोटो बहुत ही ऑसम तरीके से लगने लगेगा, जैसे कि फोटोशॉप की जैसी एडिटिंग आप लोग पिक्सआर्ट में करो। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही तो आप लोग की एडिटिंग भी बहुत ही ऑसम तरीके से हो चुका है। सुगा जी इंस्टाग्राम में आप लोग ये वाली पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में पोस्ट करने वक्त आप लोग हमें टैग कर सकते हो तुषार एडिटिंग PR एडिट को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे टैप कर लीजिएगा। और गाइस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।